जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने बीजेपी उपाध्यक्ष और जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी संजीव कटवाल से खास बातचीत की है। सुनिए उनका इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है। देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है। 19 से 23 अगस्त तक ये यात्रा जो है वो चलेगी और अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री बने हैं और उसके बाद उनका पहला ये दौरा रहेगा हिमाचल का, तो ऐसे में इस पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, भाजपा के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, क्या कार्यक्रम है, आप प्रभारी भी हैं इस पूरे कार्यक्रम? पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो 43 नए मंत्री बने हैं उनका पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में अपने अपने प्रदेश में भ्रमण होगा और जनता से आशीर्वाद लिया जाएगा। इस कार्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा है, एक तो है जो राज्य स्तरीय मंत्री थे, दूसरे केंद्रीय मंत्री। तो राज्य स्तरीय मंत्री जो राज्य मंत्री थे उनका कार्यक्रम 16 से 19 तक है और जो केंद्रीय मंत्री उनका कार्यक्रम 19 से 21 तक है, लेकिन प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बाकी प्रदेशों से अलग है इसलिए यहाँ पर दो दिन अतिरिक्त दिए गए हैं। तो हमारे यहाँ ये यात्रा 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक प्रदेश में रहेगी। जैसा जो आपने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया, महिला वर्ग हो, यहाँ 11 महिलाएं बनाई, चाहे हमारा पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड का एरिया है, यहाँ उत्तराखंड में भी प्रतिनिधित्व दिया गया और हिमाचल प्रदेश को भी। हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी को पहले राज्य मंत्री थे, इस बार उनको फुल फ्लैज केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का ये सोचना है कि जो हमारे युवा मंत्री जो बने हैं, ये महिलाएं बनी हैं, एक बार अपने अपने प्रदेश के अंदर जाएं, क्योंकि जाना तो सबको होता है, वहाँ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इसको हमने एक पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में लिया। जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं हम जनता तक पहुंचा सके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं उनको बता सकें और माननीय जयराम ठाकुर जी जो प्रदेश के सराहनीय कार्य कर रहे हैं उनको जनता के बीच में पहुंचा सकें। अच्छा, इसके अलावा अनुराग ठाकुर जी जो है वो विशेष रूप से इसमें भाग लेंगे, 7 जिलों में उनका कार्यक्रम है, क्या ये कार्यक्रम रहने वाला है और इस दौरान क्या कुछ खास रहे? अनुराग ठाकुर जी 7 जिलों को प्रत्यक्ष रूप से भ्रमण करेंगे और सिरमौर और कुल्लू जिला जो है, सिरमौर के हिमाचल भवन चंडीगढ़ में स्वागत करेंगे और कुल्लू के कार्यकर्ता जो है कुछ कुल्लू के शिमला में आएंगे और कुछ कार्यकर्ता मंडी में आएंगे। हमारा 19 तारीख को हम ठीक 9:30 बजे हिमाचल भवन में सिरमौर के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। उनके साथ हमारे प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद सुखराम चौधरी जी, माननीय मंत्री डॉक्टर बिंदल जी रहेंगे। इसी तरह हिमाचल के अंदर परमाणुमय यात्रा प्रवेश करेगी जहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अब सोलन जिला के कार्यकर्ताओं के साथ, मंत्रियों एमएलओं के साथ इसका स्वागत करेंगे। उसके बाद ये यात्रा हमारी सोलन जिला को कवर करते हुई सीधा शिमला जिला के सोगी से पीटर हाब में पहुंचेगी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी और अनुराग ठाकुर जी लोगों को संबोधित करेंगे और अनुराग ठाकुर जी का यहाँ स्वागत किया जाएगा शिमला जिला के द्वारा। नेक्स्ट डे ये यात्रा बिलासपुर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक जिला में प्रवेश करेगी। उसके बाद यात्रा सीधी वहां से मंडी में रात्रि रहेगी, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और पूरे जिला के कार्यकर्ता यात्रा का स्वागत करेंगे। वहां से यात्रा ये सीधा धर्मशाला को रुकेगी, धर्मशाला में स्थानीय जितने वहां के जिला के मंत्री हैं इसका स्वागत करेंगे। हमारे विधानसभा स्पीकर हैं, विक्रम ठाकुर जी हैं, सरवीन चौधरी हैं, और नेक्स्ट डे यात्रा हमीरपुर में प्रवेश करेगी। हमीरपुर उनका गृह जिला है जहां भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी पूर्व मुख्यमंत्री इस यात्रा को वहीं सम्मिलित होंगे, जनता को संबोधित करेंगे और अगले दिन ये यात्रा ऊना जिला में समाप्त हो जाएगी जहां हमारे सतपाल सत्ती जी, वीरेंद्र कंवर जी साथ यात्रा के साथ रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे इस पूरे कार्यक्रम के प्रभारी भी और भाजपा के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल। इनका साफ तौर पर कहना है कि अनुराग ठाकुर जो है उनका हिमाचल दौरा है और ऐसे में जन
आशीर्वाद यात्रा का आगाज 19 तारीख से होगा। 7 जिलों में उनका कार्यक्रम जो है वो अनुराग ठाकुर का रहेगा और इस दौरान भव्य आयोजन जो है वो किए जाएंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।